राजनीति में इन दिनों टिकट बंटवारे का मौसम चल रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बाद बीएसपी ने भी 25 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने जैसे ही प्रत्याशियों की घोषणा की, वैसे ही उनके मुस्लिम उम्मीदवारों को लेकर खूब चर्चा हो रही है। वहीं राजनीति के जानकारों का कहना है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का खेल खराब करने की तैयारी कर ली है। लेकिन वहीं अगर देखें तो बीएसपी के ये 25 उम्मीदवार 2024 के चुनाव में दोधारी साबित हो सकते हैं, यानी कि बसपा के ये 25 उम्मीदवार कहीं इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकते हैं तो कहीं पर एनडीए को इनसे नुकसान होता नजर आ रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें, बीएसपी ने अभी तक 25 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। पहली लिस्ट में बीएसपी ने 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था, जिसमें 7 मुस्लिम थे। बीएसपी की ये लिस्ट काफी सुर्खियों में रही। वहीं पहले लिस्ट के जारी होने के 24 घंटे के अंदर ही बीएसपी ने 9 और प्रत्याशियों की घोषणा की। खास बात यह रही कि 9 प्रत्याशियों में कोई भी मुस्लिम नहीं था। अगर सुरक्षित सीटों को छोड़ दिया जाए तो बाकी प्रत्याशियों में कोई ब्राह्मण है तो कोई राजपूत और कोई जैन। बीएसपी ने अभी तक जिन 25 सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित किए हैं उसमें 4 ब्राह्मण हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, एक वक्त था जब बीएसपी ने नारा दिया था कि पंडित शंख बजाए हाथी बढ़ता जाए। आज इस नारे को बसपा सुप्रीमो मायावती एक बार फिर जिंदा करती नजर आ रही हैं। वहीं ऐसे में लोगों का मानना है कि सपा और बसपा पर्दे के पीछे एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो ऐसे में दोनों लोकसभा चुनाव में एक साथ क्यों नहीं आ जाते हैं। दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती का कहना है कि गठबंधन का चुनाव लड़ने पर बसपा का वोट पूरा चला जाता है, लेकिन उनका अपना बेस वोट बसपा को ट्रांसफर नहीं होता है। खासकर अपर क्लास का वोट बसपा को ट्रांसफर नहीं हो पाता है और यही वजह है जिसके चलते दोनों पार्टी गठबंधन से दूरी बना रही हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, पहले चरण के लिए बुधवार यानी आज नामांकन का आखिरी दिन है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय यूपी उत्तराखंड।